निकलते हैं डिनर करने। हाँ तो गाइस ये है हमारा आज का कबाब का प्लेटर। स्पीचलेस, एक्चुअली स्पीचलेस। ढेर सारी वॉक के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं दुबई हेल्थ केयर सिटी मेट्रो स्टेशन, जहां से हम लेंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए मेट्रो। यहां पे ना एक और रूल है जो मैं आपको बता दूं कि यहां पे एस्केलेटर में अगर आप जा रहे हो तो आपको यहां पे इस तरह के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। कोई वॉक करके जाना है तो वो लेफ्ट साइड से निकल जाए, और अगर आप राइट साइड खड़े हो तो राइट साइड से जिन्हें वॉक करना है वो नहीं जाएंगे। कि यहाँ पे सब लोग इस तरह का स्कूटर लेके मतलब जहाँ जाना होता है वहाँ ट्रैवल करते हैं। जिसका आप एक बार स्टैंड देखो कितना क्यूट है। सो गाइस डॉल्फिन शो के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है दुबई फ्रेम। गाइज ये इतना खूबसूरत लग रहा है। अभी मैं बहुत दूर हूँ जहाँ से मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। अभी हम लोग पास भी जाएंगे और वहाँ अंदर भी जाएंगे इवन, तो वो सारा सब कुछ तो मैं दिखाऊंगी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बस लग रहा है चुपचाप खड़े होके मैं देखूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हम लोगों ने यूट्यूब वीडियोज़ में देखा था। आज जब मैं इन्हें रियल में देख रही हूँ तो इसका एक्सपीरियंस ही अलग है, इतना अच्छा लग रहा है। खैर बातें बहुत कर ली मैंने, अब चलते हैं दुबई फ्रेम के अंदर। तो जी ये रहा दुबई फ्रेम। ये इतना बड़ा है ना, बिल्कुल एक फ्रेम में आ ही नहीं रहा है। गोल्डन कलर का बड़ी सी बिल्डिंग। बस अंदर चलते हैं और अंदर से भी दिखाते हैं दुबई फ्रेम आपको। दुबई का व्यू देखो, गाइस दुबई फ्रेम के टॉप पर आकर आपको एक साइड पूरा ओल्ड दुबई का पूरा नज़ारा देखने को मिलेगा। पूरा ये देखो जो मैं अभी दिखा रही हूँ, ये पूरा ओल्ड दुबई है। और अभी मैं इसके दूसरे साइड में भी आपको जाके डाउनटाउन यानी न्यू दुबई का भी पूरा व्यू दिखा दूँगी। बाकी यार नज़ारे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से, पूरा दुबई इतना खूबसूरत लग रहा है ना। ये है दुबई डाउनटाउन, और यहाँ से भी ये देखो बुर्ज खलीफा दिख रहा है और पूरा व्यू आप देख सकते हो। यहाँ से पूरा नीचे दिख रहा है, आसार तो आ ही नहीं रहे, दूर जाके खड़े हो गए, कह रहे मुझे डर लग रहा है।
नीचे देखने में, बट मैं ज़रूर जाऊँगी, ये एक्सपीरियंस मैं तो ज़रूर लूँगी यार। इसमें ना सेंसर लगा हुआ है, जैसे अभी आपको पूरा नीचे का दिखेगा, अभी थोड़ी देर बाद ये बंद हो जाएगा और जैसे ही मैं इस पर पैर रखूँगी ये फिर से पूरा ओपन हो जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे इतने लोग हैं कि ये सेंसर ऑलवेज ऑन है, जिसकी वजह से मैं वो बंद होते हुए आपको दिखा ही नहीं पा रही हूँ। गाइस अभी मैं आपको एक जादू दिखाने वाली हूँ, जस्ट वेट। हाँ ये देखो, जैसे ही मैंने पैर रखा वो ओपन हो गया और इसकी लाइट्स भी बाय द वे चेंज हो रही है, बहुत सही है। बाकी यहाँ पे आप कॉफ़ी और चॉकलेट्स भी यहाँ पे ले सकते हो, खा पी सकते हो। बाकी और ऐसा कुछ है नहीं कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे करो, जो है वो ये वॉक ही है यहाँ पे जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो जी दुबई फ्रेम से हम लोग निकल गए हैं और अब जा रहे हैं दोबारा मेट्रो स्टेशन और वहाँ से लेंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए मेट्रो। बता दो, दुबई फ्रेम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। और आकार को तो स्टार्टिंग में थोड़ा डर लग रहा था उस पर वॉक करने के लिए, क्योंकि उनको थोड़ा सा हाइट से डर लगता है, क्योंकि और वहाँ पे ऊपर से पूरा नीचे दिख रहा था। बट लास्ट पे उन्होंने भी ट्राई किया और उन्होंने भी वॉक किया, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन और वहाँ से लेंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए मेट्रो। से निकलकर अब हम लोग सीधे आ गए हैं बुर दुबई में और सबसे पहले करेंगे पेट पूजा, क्योंकि दोनों को बहुत कस के भूख लग गई है। वही 8:30 बजे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था और अब बज रहे हैं 4:30, तो पहले कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर देखते हैं कि आगे का क्या प्लान है। अभी मैं हूँ बर दुबई में और यहाँ आप देख सकते हो इंडियन वेयर का कितना अच्छा कलेक्शन है। तो अगर आप दुबई आकर कुछ इंडियन वेयर लेना चाहते हो तो आप इस लोकेशन पे आके बिल्कुल अच्छे से परचेज कर सकते हो। बता दूँ कि यहाँ पे दिल्ली का जो सबसे फेमस साउथ इंडियन साड़ी शॉप है नल्ली, वो भी है, वो देखो। तो अगर आप दिल्ली के हो और आपको नल्ली से शॉपिंग करना अच्छा लगता है, बिल्कुल हेलो। तो अगर आप जो मैं कह रही थी, अगर आप दिल्ली से हो और नल्ली से शॉपिंग करते हो और दुबई आकर भी नल्ली को मिस कर रहे हो तो बिल्कुल मिस मत करो, नल्ली यहाँ पे भी आपका वेट कर रही है। तो चलो चलते हैं आगे। तो सूट साड़ी लहंगा शेरवानी की बहुत अच्छी वैरायटी है गाइस, ये देखो। अभी हम लोग जा रहे हैं पाक लियारी रेस्टोरेंट में, सुना है यहाँ का बिरयानी बहुत फेमस है। और ये देखो इसकी हालत भी बहुत ख़राब हो गई है और मेरी भी, मेरी तो इससे भी ज़्यादा। वो तो मैं कैमरे के पीछे हूँ तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, अदरवाइज़ आपको ज़रूर दिखाती। तो पहले चलते हैं फटाफट कुछ खाते पीते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। गाइस ये है पाक लियारी रेस्टोरेंट का मेन्यू जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। वैसे इनकी स्पेशलिटी बिरयानी है, मटन बिरयानी है और चिकन बिरयानी है। देखो ना यहाँ पे बेस्ट बिरयानी का वो भी मिला हुआ है इनको। हाँ तो जैसा आकार कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बेस्ट है वो बिरयानी है और हम लोगों ने भी बिरयानी ही ऑर्डर किया है, बाकी ग्रीन ऑर्डर किया है और एक चिकन ग्रीन भी ऑर्डर किया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पूछा तो उन्होंने हमें यही दो चीज़ें जो सजेस्ट की, एक कढ़ाई चिकन भी कहा था बट हमें ग्रीन चिकन ज़्यादा हमें लगा कि हम ये ट्राई करना चाहिए। तो गाइस ये है ग्रीन चिकन और ये कितना यम्मी दिख रहा है, और इसके साथ हमने ऑर्डर किया है ये नान और ये है यहाँ की फेमस मटन बिरयानी।
अभी हमारे साथ हैं माशूक अली भाई और इन्होंने हमें बहुत अच्छी मटन बिरयानी और ग्रीन चिकन खिलाया है। तो भाई बताइए, आप लोग दिन में कितना किलो मटन बिरयानी बनाते हैं? यहाँ पे तकरीबन 13 से 14 दे जाते हैं इस ब्रांच में खाली। अच्छा, और एक ब्रांच में तकरीबन 12 से 15 किलो चावल होता है। अरे बाप रे, और कितनी देर में ये बिरयानी ख़त्म हो जाती है आपकी? तकरीबन हमारा अभी शाम को जो आएगा वो 3-4 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा जो सुबह हो जाएगा 12 बजे आती है बिरयानी, 11 बजे बिरयानी आती है, 11 बजे बिरयानी हमारी जैसे कि आप आए स्टे में भी एंड ऑफ हो गया। तो बहुत अच्छा था भैया। और आपने कितने बताए ब्रांचेस आपके और हैं, कहाँ कहाँ पे हैं? हमारे टोटल 5 ब्रांच है। अच्छा, मेन ब्रांच है वो नादा में, खाना भी वहीं पे बनता है। okay. बनाने वाला हमारा एक ही है, 5 ब्रांचों का एक ही बंदा खाना बनाता है। अरे वाह। और एक नादा में, एक बरदुबई में, दो देरा में, एक उसमें नादा में, मुतीना में, और दो देरा में, एक दरिंदा। अरे वाह, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा था। हम लोगों ने पूरा अच्छे से खा भी लिया और आपने बहुत हमारी अच्छे से हेल्प की, सब कुछ बताया। थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया। तो गाइज, ये है दुबई का मोबाइल मार्केट और यहाँ आप आईफोन से लेकर एंड्रॉयड सारे फ़ोन ले सकते हो, रिपेयर करवा सकते हो, और अगर यूज्ड मोबाइल भी चाहिए तो वो भी यहाँ से ले सकते हो। यहाँ से फ़ोन्स नहीं, मतलब गैजेट्स भी, जितने भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट और ये सब मिलता है, ये सब मतलब ज़रूरत होती है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से हाँ, और यहाँ से आप और भी जैसे ड्रोन और ये सब भी ले सकते हैं, जितने भी गैजेट्स। हाँ एग्जैक्टली, ड्रोन, गिम्बल, हाँ हाँ, आई वॉच, हाँ हाँ, लैपटॉप, मैकबुक, आई पैड, ये सब आप ले सकते हैं। तो हमें भी कुछ लेना है, फोन पता करना है, फोन पता करना है। तो अभी सैमसंग फ्लिप 4। अभी हम लोग आए हैं हमारे इंडिया वालों के लिए कुछ चीज़ें यहाँ से लेके जाने के लिए, जस्ट फॉर मेमोरी। तो देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, तो देखते हैं कि हम लोग उनके लिए क्या लेकर जाते हैं। बाकी मुझे भी चाहिए ताकि मैं भी अपने घर में कुछ चीज़ डेकोरेट करके रखूँ, यहाँ की कुछ यादें। तो बस देख रहे हैं, अभी चेक करते हैं, काफ़ी कुछ है वैसे तो ऑप्शंस, बट देखते हैं, लेट्स सी क्या क्या लेते हैं। ये तो बहुत सही है यार, ये तो बिल्कुल हमारे कबीर सिंह वाली बाइक है। बाकी डेट्स और चॉकलेट्स, ये सारा सब कुछ भी यहाँ पे है। और तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने हमारे इंडिया वालों के लिए ले ली है, हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव सबके लिए। बाकी अभी देखते हैं, अगर और कुछ पसंद आता है तो वो भी ले लेंगे। तो गाइज, अभी हम लोग आए हैं अली अकबर आज़ादी में और यहाँ के डेट्स और चॉकलेट बहुत फेमस है। यहाँ हम लोगों ने लोकलाइज से पूछा तो उन्होंने यही शॉप को हमें रिकमेंड किया। देखते हैं, अंदर चलते हैं और आपको भी मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे डेट्स और चॉकलेट की वैरायटी। 1 किलो 20 ग्राम। देखो यहाँ पे कितने सारे चॉकलेट्स हैं और ये सारे 1 kg 20 दिरहम के हैं। यहाँ पे भी काफ़ी चॉकलेट्स का स्टॉक है, ये देखो। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की भी बहुत अच्छी वैरायटी है, तो अभी वो भी मैं आपको धीरे धीरे दिखा दूँगी। और ये देखो यहाँ पे सारे डेट्स हैं रखे और खड़े मसाले हैं जो मैं देख पा रही हूँ। तो ये देखो यहाँ पे कितना ड्राई फ्रूट्स है, जो चाहिए आप वो ले सकते हो यहाँ से। दुबई फेमस है डेट्स के लिए और ड्राई फ्रूट्स के लिए, केसर के लिए, तो ये सारी शॉप, ये सारी चीज़ें इस शॉप में मिल रही हैं। और ये देखो केसर, यहाँ पे वैरायटी ऑफ केसर्स रखे हुए हैं जो कि बहुत फेमस है दुबई का। तो ये देखो ये जितने भी चॉकलेट्स यहाँ पे रखे हैं ये डेट्स की हैं और ये इनका खुद का ब्रांड है। ये भी एक है, अभी यहाँ पर आकर टेस्ट भी कर रहे हैं।
तो जी बर्ड दुबई से ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद और बिल्कुल अब एनर्जी नहीं है कि मैं कहीं और जाऊं। इवन हम दोनों ही बहुत थक गए हैं, पैर बिल्कुल दर्द होने लगे हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। लगा था हम लोगों को कि यहाँ से हम लोग कोल्ड सूप भी जाएंगे, बट नहीं हो पाया क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और अब जाने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो इस वजह से अब हम लोग डायरेक्ट जा रहे घर। गाइज, अगर दुबई में आपने कुछ कांड किया या कुछ गड़बड़ी की तो आपको यहाँ पे भी आना पड़ सकता है। सो बहुत ध्यान से, हाँ देख लो, ये भी देख के रख लो, अगर आना पड़े तो यहाँ आओगे। तो गाइज, ये है अल गुबैबा मेट्रो स्टेशन एंड देखो ये कितना खूबसूरत है, काफ़ी ट्रेडिशनल सा बना हुआ है। काफ़ी ट्रेडिशनल सा है, बिल्कुल जैसे दुबई की जितनी भी चीज़ें हैं उनके लुक को लेकर है। बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, हमारी मेट्रो भी आने वाली है, अब बस चलते हैं। तो जी आ गए हम लोग घर और बहुत थक गई हूँ। मैंने तो आते ही इयररिंग्स वेयरिंग्स सब उतार दिए, बिल्कुल इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ कि क्या ही बताऊँ। वैसे आप लोग ये वाला फ़ोन देख रहे होंगे तो मैं बता दूँ कि दुबई फ्रेम के बाद मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था और थैंक गॉड कि मेरे पास ये एक और मेरे ऑफिस वाला फ़ोन था जिससे मैंने बाकी का वीडियो शूट किया। तो हो सकता है कि थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी आप लोग को ख़राब दिख रही हो, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार, कुछ नहीं कर सकते। तो खैर, अभी करती हूँ मैं इस डे वन दुबई डे वन ब्लॉग को यहीं एंड। एंड आई होप कि आपको मेरा ये आज का ब्लॉग बहुत 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 अच्छा लगा हो सो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नए हो सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत जल्द मिलूंगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और दूसरों में ढेर सारी खुशियाँ बांटिए। बाय। यहाँ आकर मुझे बना के दिखा रहे हैं वर्ल्ड की बिगेस्ट रिंग।